हेलो गाइस, एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। मेरा नाम विनय बैरागी और आप देख रहे हो विनय बैरागी ब्लॉग। आज हो रही है अपनी मशीन की सर्विस, एलएनटी का 770 किर्लोस्कर इंजन फुल सर्विस हो रही। मैं आपको दिखाता हूँ, ये निकल रहा है, इसमें साइल ख़राब हो गया। जो फेंक दो छोड़ दो, हटा दो वाला। वो इस बार तो बहुत ज़्यादा आयल ख़राब हो गया। हाँ, सर्विस कब करी थी इसकी? मशीन निकाली, बताया नहीं करी। मशीन निकाली एक साल हो गए। मैं बात भी करी थी यार, मैंने आयल तो डाल दी है। करा था आयल चेंज, भरा गई वो कुप्पी, हटा लो वाला। आयल भी मेरे को लग नहीं रहा कि पूरा निकला इसमें। नहीं, पूरे निकला, बहुत आयल निकला, बहुत गिर गया। फिलहाल तो बहुत आया, बहुत ही था शुरू शुरू आयल तो पूरे निकला, सभी नापा था मैंने भाई। है इन चीज़ में रख से नहीं लेता पानी और आयल। सुरेंद्र भैया अपने फिल्टर खोल रहे हैं, इंजन ऑयल फिल्टर। ये हैं सुरेंद्र भैया, हाथ पैर सब काले कर लिए। उसका आयल भी अभी काफी खराब निकला। हाँ, हाथ और ये पाना हटा लो, फेंकेगा आयल बहुत तेज। देखते हैं फिल्टर में कितना आयल है। निकला निकला आयल निकल गया है, गरम निकल रहा। फेंक दो और कैसी कैसी। अब खोल रहा है इसमें बाल्टी, जाऊंगा भी लेट है थोड़ा। सेनी का डाल रहे हैं इसमें इंजन ऑयल। कितने डब्लू डालता है स्माइल? मालूम नहीं तुम्हें कितना लीटर यार? वाह, लीटर? हाँ, ग्यारह लीटर, ग्यारह लीटर जाता है इसमें इंजन। किर्लोस्कर इंजन है ना। अब तो ये खुद का बनाने लग गए कि अभी भी किर्लोस्कर इंजन आ रहा है? भी भाई। ये क्या इंजन ऑयल है, इंजन का ये फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर। ये डीजल फिल्टर का तीन तीन है इसके, तीन लगते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, एक नीचे लगता है और टैंक के पास। एक ये फिल्टर है और दो पड़े हैं, बोस कंपनी के हैं और ये किर्लोस्कर का ही है। चलो खोल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे ही खींच लो, इसके अंदर एक और कैप। सीधा 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 की चीज है, टूट जाएगा नहीं तो। देख लेना साफ है कि नहीं, डीजल ईजल की होगी वैसे वर्दी। पहले तो ये फिल्टर में भरोगे ना आयल? तो पहले फिल्टर में भरोगे, वर्दी में लेके भरेंगे ना फिल्टर में। हाँ, देखो सुरेंद्र भैया की पावर। को डीजल पीने में कैसा मजा आता तुम? मस्त मजा आता डीजल पीने में, पेट के सारे कीड़ा खत्म हो जाते हैं। ये खूब डीजल पीते हैं, कीटाणु तो उठा के डालू मैं? तो डालना तो पड़ेगा, थोड़ी टेढ़ी कर ले वहाँ, तो डाल के मिलते हैं आपसे इसमें अंदर। तो ये देखो, ये है किर्लोस्कर का ओरिजिनल फिल्टर, इंजन ऑयल का। और अब इसमें अपन ऑयल डालेंगे, एक लीटर आता होगा इसमें?
अब ये बनाएगा हमारा दोस्त वीडियो। घी पिला रहा है मशीन को, घी घी पिएगी घी। बस 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 जाएगा जाएगा। अरे ज़्यादा नहीं बनना इसको बस। हाँ हल्का है, कस दो कसो। तो ये कसा गया फिल्टर, नया फिल्टर कसा रहा है। ये है किर्लोस्कर इंजन का ऑयल डालने का। और ऑयल डालूं तो ये ऑयल का कैन है और ये अपन इसमें डाल रहे हैं ताकि साफ हो जाए। आया बहुत सारे डाल दिया मैंने, 1.5 लीटर करीबन डाल दिया बस, बहुत है ना। ये है इसका कैप, इधर से ऑयल डलता है इसके अंदर और अभी बाहर निकल रहा ऑयल। खराब निकल रहा, सही निकल रहा सही है। बोल्ट कस रहे हैं चैम्बर का, कितने नंबर बोल्ट है का? पच्चीस नंबर बोल्ट है। तो ये है 25 नंबर का बोल्ट। डालेंगे इसमें ऑयल। ये है ऑयल चेक करने का, छेनी क्या तेरा छेनी भी तुम्हें। ये है ये छेनी लो, ये भी साफ हो गया ऑटोमेटिक, इसमें से ऑयल ही निकल गया पूरा। एक बार मान लो हमने क्या करा था, ऑयल बदला, चैम्बर उम्बर सब खोले, फिल्टर डाले, ऑयल और चैम्बर ढक्कन लगाया ना कैप नीचे का नट, हाँ, और ऑयल डाल दियो उधर डालो तो पूरा निकल गया। 11 लीटर बर्बाद, 11 लीटर भैया। फिर गिरा पैसा डीजल ला चेट मालूम नहीं चली, ला के नहीं डालो। देख लो ऐसे भूल में हो जाता है, अपन तो इतने बड़े बड़े कुरकुरे को डाल दिए। भूल भूल में निकल जाए, ध्यान से उतर जाए। चलो अब डालते इसके अंदर आई, पूरा कस दिया अच्छे से, डाल दो ऑन कर दो। नहीं गिरेगा भाई, गिरेगा। देखो सर है ये फिल्टर खोले जा रहे हैं, डीजल फिल्टर, डीजल फिल्टर, इसमें देखते कितना कचड़ा निकले। तो काय सुरेंद्र भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपन इनका भी एक चैनल खुलवा देंगे जल्दी, बोले जरा अपना चैनल हो जाए जरा थोड़ा, फिर आप लोग इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लगता कितना कचरा निकलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है फिल्टर ही नहीं होगा। फिल्टर थोड़ी नहीं है तो हेगा, हेगा। हेगा। ये देखिए फिल्टर, ये है फिल्टर, क्या कंडीशन है इसकी। कंडीशन ज्यादा खराब तो नहीं हुई, फिल्टर तो साफ रखा हुआ सही है। थोड़ा बहुत बाल आल आ रहे, बाल वो तो ठीक है। ये देखिए फिल्टर, डीजल फिल्टर, रुक जाओ यार। तो उधर का दिखा रहे, इधर दिखाओ। सही है, चौक नहीं वो बदल लो मेरे
तो बदलना तो यही, तभी तो खोल लो, पकड़ो एक और खोल लो। नहीं रुक जाओ, इसको लगाऊंगा पहले भाई, इसको पकड़ो। ये खोल लिया है फिल्टर यहाँ से, वो है फिल्टर, ये डाल रहे हैं डीजल इसमें अद्धी में। एक एक लीटर निकलता होगा दोनों में ना, देख लो कचरा होगा नीचे, फायर डाल के मान दो। ये देखिए सुरेंद्र भैया ने फिल्टर मान दिया है, मान दिया है सुरेंद्र भैया ने फिल्टर। देखो टी शर्ट भी काली कर ली है, ऐसे ही बर्तन मांजते अपन घर पे। गाइस अब ये फ़िल्टर कस लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। और यह है ना, हर सर्विस पे ना जो उसके फ़िल्टर के साथ रबड़ आती है वो डाल देना चाहिए दूसरी, क्योंकि कट पिट जाती है तो सही रहता। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ये फ़िल्टर कस लेता हूँ। फ़िल्टर कस लिया, अब उसके बाद चलाना रहता है पंप, ताकि अच्छा ये डीजल, ये पहले वाले में तो आ गया, उसको टाइट कर देते हैं। ढीला करूँ पंप चलाते हुए। सुरेंद्र भैया पंप चला रहे हैं यहाँ पे, और ये तो आ गया होगा, अभी नहीं भरा है दादा वो। आ गया अब कस देते हैं, मानना बस। इसको ढीला करना, अब ये सेकंड वाला फिल्टर को करते हैं ढीला। चलो आने लगा। राइट चल रहा, ढीला चल रहा, चला के चलो। तो गाइस अपनी बारी चलाने, सब ऐसे चल रहा अभी, तुम्हारा मरा है थोड़ा जी, आ गया। गाइस सारे फिल्टर वगैरह लग गए, मैंने इसको पूरी ऊपर उठा दिए इसका, क्योंकि ये अपने को टैंक का फिल्टर चेंज करना है, यही है ना। हाँ, ये टैंक का डीजल फिल्टर, अब इसको चेंज करेंगे। 12-13 का पानो ये रखा। गाइस ये फिल्टर खोल लिया यहाँ से, और इसकी हालत दिखाना सुरेंद्र जी, की हालत देख सकते हो। जो अगर साफ नहीं करता ना तो साफ जरूर कर लेना अब की बार। ये देखो इसके अंदर इतनी मोटी रेत मिट्टी जम रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए भी ये साफ कर रहे हैं, बहुत मोटी मिट्टी जमी उसमें। इसी चक्कर में अगर ये वाला पकड़ फिल्टर इसमें, अगर ये देखो कितनी बुरी हालत निकल रही है। तो इसके अंदर डाल दिया नया फिल्टर, पकड़ूँ क्या, डाल लो ये डीजल डाल रहे। भरा गया, एक कचरा क्या है इसको, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो गाइस अब इसका मार रहे हैं सेल्फ, तो नीचे उतार जल्दी। हाँ वो केन निकाल लो केन। गाइस हो चुकी इसकी सर्विस पूरी, करो तो गाइस सर्विस वगैरह इसकी कंप्लीट हो गई है। इधर से इसको हटा के इधर खड़ी कर दी, और सर्विस वगैरह करके इधर खड़ी कर दी।
अब इसके इंजन की तरफ से बेफिक्र हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं इसके इंजन की तरफ से। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको किसी और न्यू ब्लॉग में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।